दिस विरोनिका आज हम पलकदान मट्टा की बात करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली एक राइस वेराइटी ब्राउन राइस वेराइटी की सक्सेस स्टोरी है ये जैसे ही इंडिया में हम देख रहे हैं आजकल यंग ऑन्टरप्रनोर्स आ रहे हैं कुछ नया नया शुरू कर रहे हैं तो हर फील्ड में हम लोगों को फायदा हो रहा है चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड क्यों ना हो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील क्या दो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए पलकदान मच्छा स्क्रिप्ट सक्सेस स्टोरी यहाँ से ये टॉपिक मैंने लिया है इसको आप एज अ केस स्टडी भी यूज़ कर सकते हो कहीं पर एग्जाम्पल देने के लिए दो साल ही हुए थे ग्रेजुएट हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉजिकोड आई एम के से जिन्होंने एक वेबसाइट शुरू किया एंड्रॉयड ऐप शुरू किया क्या बेचने के लिए जबकि फेमस पलकदान मट्टा राइस जो हैं इनके दस एकड़ के फार्म पे जितना ग्रो किया जाता था इन्होंने वेबसाइट बना दिया एंड्रॉयड uh, ऐप बना दिया और इनको बेचना शुरू किया आजकल इस तरह की चीज़ें इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस आप ऑलरेडी भी देख रहे होंगे कि यंग लोग यंगस्टर्स uh, जो हैं वो इन चीज़ों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं अब जो वेबसाइट है वेबसाइट का नाम है दक्ष और एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले पर वो इंस्टेंट हिट हो गई और प्रभल मोहनदास एक ने एज के फार्मर हैं अब वो अपने राइस को डायरेक्टली बायर्स को भेज रहे हैं उनको कोई मिडल मैन की कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है uh, 150 फिफ्टी टू टू हंड्रेड के जी ऑर्गेनिकली ग्रोन राइस पर मंथ वो हंड्रेड रुपीज़ पर के जी में बेच रहे हैं तो देखिए कितना फ़ायदा हो जाता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बीच में मिडल मैन होते हैं आप उनको बेचते हैं वो अपना कमीशन काटते हैं फिर आगे लोग पैसे देते हैं सो देर इज लॉस लॉस ऑफ मनी लॉस ऑफ एफर्ट्स एंड लॉस ऑफ़ एवरी थिंग तो यहाँ पर डायरेक्टली अब देखिए फार्मर्स किस तरह से डायरेक्टली चावल बायोस को बेच रहे हैं ऑर्गेनिकली एक तो ये ग्रो किए जा रहे हैं ये चावल फाइव वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड के जी और सौ रुपये पर के जी ये बिक भी रहे हैं तो इस तरह की ये दक्ष जो वेबसाइट मैंने आपको बताई आपको दिखेगा ऑनलाइन मट्टा राइस फॉर्म या लोकल ऑनलाइन तो यहाँ से लोग ऑर्डर कर रहे हैं अब देखिए जनरली पैडी कल्टिवेशन या जो राइस होता है ये जो आपका पलक्काड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे राइस बाउल ऑफ पलक्कड़ जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है श्रिंक हुआ है लेकिन अब जैसे एजुकेटेड यंगस्टर्स जो हैं एग्रीकल्चर में आ रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग उन्होंने फिर से इसको रिवाइव करने की आप कह सकते हैं कोशिश वो कर रहे हैं फिर से कल्टिवेट कर रहे हैं पलक् दान मट्टा और बायर्स को भी ढूंढ रहे हैं जो लोग इनको खरीदना चाहते हैं बियॉन्ड जोग्रफ़िकल बाउंड्री सिर्फ उसी एरिया के आसपास नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसको बेचना चाहते हैं वो नए नए तरीके जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं अब देखिए प्रभल मोहनदास के बारे में बात करते हैं कौन है प्रभल मोहनदास का जन्म केरला में हुआ वहीं पर ही हैज़ बिन ब्रॉटअप एक अच्छी रिच फैमिली जिनकी एग्रीकल्चर में अच्छी हिस्ट्री है लेकिन वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग इन्होंने किया और फिर एम भी किया फिर उन्होंने काफ़ी समय जो है एच और रिलायंस में काम करके गुजारा फिर उनको लगा कि उनको वापस आना चाहिए और एग्रीकल्चर के क्योंकि फैमिली का बिज़नेस इसके आसपास है तो एग्रीकल्चर के आसपास उनको अपना काम शुरू करना चाहिए बट डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एज आज हम कोई भी काम कोई भी बिजनेस नया सेटअप करना चाहते हैं तो हमें पता है कि हमको एप्लीकेशन की ज़रूरत है हमको वेबसाइट की ज़रूरत है इसके बिना हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा नहीं। नहीं। तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मोबाइल और वेब इंटरनेट की बहुत पावर है और जितने लिमिटेड फंड उनके पास थे उन्होंने अपना एक ई कॉमर्स चैनल शुरू कर दिया अंडर द बैनर ऑफ़ दक्ष फार्म दक्ष फॉर्म के अंदर उन्होंने अपना ये काम जो है वो शुरू कर दिया देखिए ये इंस्पिरेशन है हर उन लोगों के लिए जो हम सोचते रहते हैं कि हम ये काम करेंगे हम शुरू करेंगे सबको ऐसा लगता है बिज़नेस करना तो बहुत आसान है बल्कि एक कॉन्सटेबन और होना अपना बिजनेस शुरू करना सबसे मुश्किल काम है और उसको रिटेन रखना उसको प्रॉफिटेबल बनाना बहुत एफ़र्ट्स इसमें जाते हैं लोगों को लगता है कि नौकरी करना बहुत मुश्किल है फ़ाइव टू नाइन का जो आप लोग जो आप पढ़ते हैं हर चीज़ में मुश्किल होती है लेकिन आप कितनी डेडिकेशन से उस काम को करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है है। लेकिन इन्होंने खैर लिमिटेड फंड से अपना ई कॉमर्स चैनल शुरू किया दक्ष फार्म के अंदर और जो नेक क्रेज है ये पलक्कदान मट्टा की ये शुरू हो गई लोगों में सेवन इयर्स अगो भी हुई थी क्योंकि जब इसको जीआई टैग मिला था किसी भी चीज़ को जीआई टैग मिलता है तब तो काफ़ी सुर्खियों में रहती है लोग उसको खरीदने लगते हैं लोगों को भी फायदा होता है लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन भी हो जाता है अब अंडर द रजिस्ट्री दस वेरायटीज़ हैं पलक्कादान मट्टा की आर्यन अरुवाकरी चित्तेनी चैन सकहमा चेतादी थवाला कना इरोप्पू पूचंबम वटन ज्योति कुंज कुंज ठीक है थोड़ा प्रोनंसिएशन हो सकता है किसी का डिफर करता हो बट इस तरह की दस वेराइटीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं अब ओनम सीजन में फिर एक यूके एजुकेटेड इंजीनियर रॉय जॉर्ज और उनके ब्रदर रॉबन जॉर्ज जो कि एम होल्डर हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वो पलक्ड़ मट्टा कल्टिवेट करते हैं एक लीज पे लैंड लेते हैं थ्री हंड्रेड एकर्स फार्म लैंड दे हैव मार्केटेड ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड राइस थ्रू राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओन बाय देर फैमिली तो उन्होंने मार्केट करते हैं ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड इन राइस को राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनकी फैमिली के थ्रू तो एक स्टोरी आपने पहले देखी ये आपकी दूसरी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है यहाँ पर आपको दिखता है फिर से दो यू के बेस्ड इंजीनियर्स यू के एजुकेटेड जिनने यू के से एजुकेशन ली है वो भी एग्रीकल्चर में ही अपना काम करना शुरू करते हैं और उनकी फ़ैमिली का राइस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होता है उसके थ्रू ये जो पलक का दान मट्टा राइस है इनको बेचना मार्केट करना शुरू करते हैं तो देखिए ये सक्सेस स्टोरी की बात है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं नए लोगों ने आके एजुकेटेड यूथ ने आके जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन मार्केटिंग कम हो रही थी उसको फिर से उठाया लोगों तक पहुँचाया होल ग्रेन राइस जो मट्टा राइस हैं ये पॉलिश नहीं होते पॉलिश राइस के न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते तो इनमें पॉलिशिंग नहीं होती ऑर्गेनिकली इनको ग्रो किया जाता है और दैट इज़ नॉट पॉलिश आफ्टर रिमूविंग द आउटर जब इसका आउटर लेयर हस्क उतार देते हैं तो इसको पॉलिश नहीं किया जाता इसलिए होल ग्रेन मट्टा राइस या ब्राउन राइस आप इनको कहते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि अनपॉलिश राइस में नहीं होते और uh, जैसे पॉलिशिंग जब हम किसी भी इन्ग्रीडियंट के करते हैं तो वो यूज़लेस हो जाता है उसको ऐसे खाने का टेस्ट तो अच्छा लगेगा पर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती अभी जो ट्रेडिशनल रेड राइस हैं इनका आउटर ब्रांड लेयर्स है फाइव टाइम्स मोर आयरन थ्री टाइम्स मोर जिंक न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए फाइबर भी बहुत है अगर आप इसको पॉलिशर परफ्यूम बासमती से कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रेंट वाइज ये बहुत ज़्यादा रिच हैं और जैसे जैसे नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं एजुकेटेड यूथ आ रहा है ट्रेडिशनल फार्मर्स अपने राइस फील्ड्स उनको लीज़ आउट कर रहे हैं और एक नया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है जो रुक गया था वो फिर से शुरू हो रहा है जिससे फार्मर्स को फिर से फ़ायदा हो रहा है नाले पिल्ली में सेवेंटी एट ईयर ओल्ड वासुवामा रिसेंटली उन्होंने अपनी दस एकड़ फार्म को कुछ यंगस्टर्स को दिया जो कि पलक दान मट्टा को ग्रो करना चाहते थे अब जो 78 एट ओल्ड ये हैं इनको र्यूमाटिज्म है और तीन बच्चे हैं जो कि घर से बाहर रहते हैं तो उनके इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन्होंने अपना लैंड दे दिया और इस लैंड पे इन यंगस्टर्स ने अपने दस एकड़ के फार्म पे ये राइस ग्रो करना शुरू कर दिया तो अब फिर से ये न्यू फोकस पालकदान मट्टा में गया है जो कि लोकल बॉडीज़ को भी बहुत इंटरेस्ट इसमें आ रहा है इंस्पिरेशन मिल रही है पेरूमती ग्रामा पंचायत ने डिसाइड किया कि 120 ट्वेंटी एकर्स लैंड लीज पे लेंगे और कल्टीवेट करेंगे राइस की वेराइटी यहाँ पे राइस को ग्रो किया जाएगा कल्टीवेट किया जाएगा क्योंकि अब इसकी मार्केट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है तो यही सक्सेस स्टोरी की मैं यहाँ बात कर रही थी अलग अलग तरह के लोगों की एग्जांपल्स मैंने आपको दी जो अच्छे एजुकेटेड बाहर से पढ़ के आए हैं अच्छी डिग्रीज हैं लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना काम करना शुरू किया और एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर स्क्रिप्ट की पलकतान मट्टा राइस को लेकर तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स कॉटन ग्राउंडनट राइस व्वीट विच ऑफ दीज आर खारिफ क्रॉप्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पार्टिसिपेट करेंगे तो सही आंसर आपको पता चल जाएगा बाकी आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए कोर्सेज हमारे ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं आप आ, स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके सारी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं थैंक यू सो मच